आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे अचानक प्लान बन गया या क्या, तो स्पेसिफिक रीज़न है. वैसे मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं लाइव आज करूँगी या कोई, ये कोई हम जो कैजुअली सेशन करते हैं उस तरह का नहीं है. थोड़ा सा चाह रही थी कि आज जिस तरह का दिन गुजरा है उसके ऊपर थोड़ी बात हो जाए, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आज के दिन. और कल से जब से हमने एक न्यूज़ सुनी है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी. हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सैयदा तुबा ने आमिर लियाकत की तीसरी शादी पर क्या कहा है. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. मैं आपको बताते चलूं कि जब सैयदा तुबा ने आमिर लियाकत से दूसरी शादी की थी तो तमाम लोगों ने इन्हें बहुत बुरा भला कहा था. सब लोगों का यही कहना था कि तुमने दो बच्चों की माँ का घर उजाड़ा है, अल्लाह तुम्हारा घर भी उजाड़ेगा. मुझे सपोर्ट करने वाली मेरी माँ, मुझे सपोर्ट करने वाली मेरी बहन है, मेरी फैमिली, और तुमने उनके ही दुश्मन बना दिया. अमर वाह, मेरी दुआ है या अल्लाह जैसे हारने की किस्मत है इस तरह की किसी बेटी की, किसी दुश्मन की बेटी की भी किस्मत ना हो. यहाँ आप बेटियाँ हो तो सिर्फ अमीरों के घर हो, गरीबों के घर में ना हो. इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे चीट किया, ऊपर से मेरे माँ बाप का दुश्मन बनाया. मैं अपनी माँ पे हाथ उठा रही हूँ, लाइव आकर अपने माँ बाप पे ब्लेम कर रही हूँ. असल तो तुम हो, तुम्हारी बीवी तुबा है, तुमने तुबा के साथ मिलकर मुझे चीट किया, बिगाड़ इंसान. लेकिन सैयदा तुबा ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और आमिर लियाकत के इश्क में गिरफ्तार होकर उनसे दूसरी शादी कर ली. कल सैयदा तुबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फैंस को बताया है कि उन्होंने आमिर लियाकत से अलहदगी इख्तियार कर ली है, यानी कि सैयदा तुबा ने कोर्ट में खुला के लिए केस फाइल कर दिया है. इस वक्त तमाम लोगों की हमदर्दियां सैयदा तुबा के साथ हैं और कुछ लोग इन्हें बुरा भला भी कह रहे हैं. बहुत से फैंस उनकी हमदर्दी में हैं और बहुत से फैंस ये भी कह रहे हैं कि तुमने किसी का घर उजाड़ा था और अब देखा तुम्हारा भी घर उजड़ गया. तुम्हें इतने बुढ़े बाबे में क्या ऐसा नजर आया था कि तुमने उससे शादी कर ली, अब बैठी तुम क्यों रो रही हो. खैर, मैं आपको बताती चलूं कि सैयदा तुबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फैंस को क्या कहा है. सैयदा तुबा ने अपनी शादी के बारे में बताते हुए कहा कि आमिर लियाकत के साथ वो सिर्फ 14 माह ही रह सकी और ये बात उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही जानते हैं कि वो कब से आमिर लियाकत से दूरी इख्तियार कर चुकी हैं. सैयदा तुबा ने अपने फैंस से कहा है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है और उनके प्लान्स पर भी. और साथ ही सैयदा तुबा का ये भी कहना था कि इस वक्त मेरे पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस फैसले की इज्जत करें. सैयदा तुबा को आमिर लियाकत की तीसरी शादी से गहरा सदमा पहुँचा है. तो दोस्तों, सैयदा तुबा के बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा. मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.